पटियाला से कांग्रेस की सांसद और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में प्रभारी हरीश चौधरी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है और 7 दिन का वक्त दिया है जवाब देने के लिए। हमारे साथ तारिक अनवर जी हैं, पार्टी के कांग्रेस पार्टी के अनुशासनात्मक समिति जिसके चेयरमैन AK एंटनी हैं और तारिक साहब भी उसके सदस्य हैं, उनसे बात करते हैं। उनके ऊपर परनीत कौर के ऊपर आरोप है, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तो कह दिया कि वो अपनी पार्टी बना रहे हैं, चुनाव आयोग में उन्होंने आवेदन दिया हुआ है। ये हरीश चौधरी जी की तरफ से कहा गया है कि पटियाला जो उनका संसदीय क्षेत्र है वहाँ पे वो कांग्रेस के खिलाफ काम कर रही है, पार्टी विरोधी गतिविधि में है, क्या कहते हैं? देखिए, अब हरीश चौधरी जी के पास जो प्रभारी है उनके पास जिला कांग्रेस कमेटी ने या स्थानीय कांग्रेस जिन्होंने शिकायत की होगी उसी के आधार पर उन्होंने शो कॉज नोटिस दिया होगा। अभी वो हम लोग के पास सेंट्रल डिसिप्लिन कमेटी जो है जिसके अध्यक्ष जोनी साहब हैं, मैं यहाँ जहाँ तक मुझे जानकारी है वहाँ अभी तक ऐसी कोई शिकायत पहुँची नहीं है, और अगर वहाँ से स्टेट से प्रदेश कांग्रेस कमेटी अगर कोई ऐसा शिकायत करेगी या रिकमेंड करेगी तो उस पर विचार किया जाए। सर, इसकी प्रक्रिया क्या है? 7 दिन का वक्त दिया गया है, 7 दिन में अगर उनके जवाब से संतुष्ट नहीं होते, और आखिरी लाइन जो उसमें लिखा हुआ है उसमें ये भी कहा गया है कि अगर जवाब से सेटिस्फाई नहीं होते तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, तो ये सेंट्रल डिसिप्लिनरी कमेटी किस तरह से फंक्शन करती है और क्या उसका मैंडेट है? उसमें वहाँ से स्टेट कमेटी रिकमेंड करेगी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी रिकमेंड करेगी, उनकी हर स्टेट में डिसिप्लिन कमेटी होती है, और या प्रदेश कि जो कार्यकारिणी होती है वहाँ से अगर रिकमेंडेशन होके आएगा सेंट्रल डिसिप्लिनरी कमेटी के पास तो उस पर हम लोग विचार करेंगे सारे पहलुओं को देखकर, तभी उस पर कोई फैसला लिया जाएगा। क्योंकि खुद परनीत कौर ने ये कहा कि वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ है, कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस से बाहर हो चुके हैं, वो अपनी पार्टी बना रहे हैं, तो खुली तौर पर वो बगावत कर रही हैं। चूँकि वो सांसद है, सेंट्रल डिसिप्लिनरी कमेटी जितनी हमारे पास जानकारी है वो कोई सांसद या कोई ASCC का मेंबर हो उसका मामला सीधा आप लोगों के पास आता है। बिल्कुल नहीं, कोई भी एक्शन स्टेट कमेटी रिकमेंड कर सकती है, लेकिन फाइनल डिसीजन जो है वो सेंट्रल कमेटी ही लेगी। ऐसे मामलों में पार्टी विरोधी गतिविधि में क्या प्रावधान है, क्या उनको पार्टी से बाहर निकाल, जो चूंकि वो खुद के कह रही है कि वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ है, तो हम लोग देखेंगे कि स्टेट कमेटी का क्या रिकमेंडेशन है, स्टेट कमेटी किस तरह का एक्शन लेना चाहती है या एक्शन के लिए रिकमेंड करती है, उसी के आधार पर फिर सेंट्रल कमेटी अपना फैसला ले। धन्यवाद। तो साफ तौर से तारिक अनवर साहब जो कांग्रेस के अनुशासनात्मक समिति के सदस्य हैं उनका कहना है कि राज्य की जो प्रदेश की इकाई है वो अपनी तरफ से सिफारिश भेजेगी, 7 दिन का वक्त है, 7 दिन में परनीत कौर को अपना जवाब देना है, और अगर उनके जवाब से वहाँ की कमेटी से और प्रभारी संतुष्ट नहीं होते तो ये पूरा मामला सीधा सेंट्रल डिसिप्लिनरी कमेटी के पास आएगा। और ऐसे मामलों में जो परंपरा रही है कि पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल होने के कारण 6 साल के लिए उनकी सत्ता उनको पार्टी से निलंबित किया जा सकता है, लेकिन चूंकि वो खुद सांसद भी हैं ऐसे में ये देखना होगा कि केंद्रीय अनुशासनात्मक समिति किस तरह से आगे फैसला लेती है। कैमरामैन आकाश के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली। पटियाला से कांग्रेस की सांसद और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में प्रभारी हरीश चौधरी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है और 7 दिन का वक्त दिया है जवाब देने के लिए। हमारे साथ तारिक अनवर जी हैं, पार्टी के कांग्रेस पार्टी के अनुशासनात्मक समिति जिसके चेयरमैन AK एंटनी हैं और तारिक साहब भी उसके सदस्य हैं, उनसे बात करते हैं। उनके ऊपर परनीत कौर के ऊपर आरोप है, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तो कह दिया कि वो अपनी पार्टी बना रहे हैं, चुनाव आयोग में उन्होंने आवेदन दिया हुआ है। ये हरीश चौधरी जी की तरफ से कहा गया है कि पटियाला जो उनका संसदीय क्षेत्र है वहाँ पे वो कांग्रेस के खिलाफ काम कर रही है, पार्टी विरोधी गतिविधि में है, क्या कहते हैं? देखिए, अब हरीश चौधरी जी के पास जो प्रभारी है उनके पास जिला कांग्रेस कमेटी ने या स्थानीय कांग्रेस जिन्होंने शिकायत की होगी उसी के आधार पर उन्होंने शो कॉज नोटिस दिया होगा। अभी वो हम लोग के पास सेंट्रल डिसिप्लिन कमेटी जो है जिसके अध्यक्ष जोनी साहब हैं, मैं यहाँ जहाँ तक मुझे जानकारी है वहाँ अभी तक ऐसी कोई शिकायत पहुँची नहीं है, और अगर वहाँ से स्टेट से प्रदेश कांग्रेस कमेटी अगर कोई ऐसा शिकायत करेगी या रिकमेंड करेगी
तो उस पर विचार किया जाए। सर इसकी प्रक्रिया क्या है? 7 दिन का वक्त दिया गया है, 7 दिन में अगर उनके जवाब से संतुष्ट नहीं होते, और आखिरी लाइन जो उसमें लिखा हुआ है उसमें ये भी कहा गया है कि अगर जवाब से सेटिस्फाइड नहीं होते तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, तो ये सेंट्रल डिसिप्लिनरी कमेटी किस तरह से फंक्शन करती है और क्या उसका मैंडेट है? उसमें वहाँ से स्टेट कमेटी रिकमेंड करेगी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी रिकमेंड करेगी, उनकी हर स्टेट में डिसिप्लिनरी कमेटी होती है, और या प्रदेश की जो कार्यकारिणी होती है वहाँ से अगर रिकमेंडेशन होके आएगा सेंट्रल डिसिप्लिनरी कमेटी के पास तो उस पर हम लोग विचार करेंगे सारे पहलुओं को देखकर, तभी उस पर कोई फैसला लिया जाएगा। क्योंकि खुद परनीत कौर ने ये कहा कि वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ है, कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस से बाहर हो चुके हैं, वो अपनी पार्टी बना रहे हैं, तो खुली तौर पर वो बगावत कर रही हैं, चूँकि वो सांसद है। सेंट्रल डिसिप्लिनरी कमेटी जितनी हमारे पास जानकारी है वो कोई सांसद या कोई AICC का मेंबर हो उसका मामला सीधा आप लोगों के पास आता है। बिल्कुल नहीं, कोई भी एक्शन स्टेट कमेटी रिकमेंड कर सकती है, लेकिन फाइनल डिसीजन जो है वो सेंट्रल कमेटी ही लेगी। ऐसे मामलों में पार्टी विरोधी गतिविधि में क्या प्रावधान है, क्या उनको पार्टी से बाहर निकाल, जो चूंकि वो खुद के कह रही हैं कि वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ है, तो हम लोग देखेंगे कि स्टेट कमेटी का क्या रिकमेंडेशन है, स्टेट कमेटी किस तरह का एक्शन लेना चाहती है या एक्शन के लिए रिकमेंड करती है, उसी के आधार पर फिर सेंट्रल कमेटी अपना फैसला ले। धन्यवाद। तो साफ तौर से तारिक अनवर साहब जो कांग्रेस के अनुशासनात्मक समिति के सदस्य हैं उनका कहना है कि राज्य की जो प्रदेश की इकाई है वो अपनी तरफ से सिफारिश भेजेगी, 7 दिन का वक्त है, 7 दिन में परनीत कौर को अपना जवाब देना है, और अगर उनके जवाब से वहाँ की कमेटी और प्रभारी संतुष्ट नहीं होते तो ये पूरा मामला सीधा सेंट्रल डिसिप्लिनरी कमेटी के पास आएगा। और ऐसे मामलों में जो परंपरा रही है कि पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल होने के कारण 6 साल के लिए उनको पार्टी से निलंबित किया जा सकता है, लेकिन चूंकि वो खुद सांसद भी हैं ऐसे में ये देखना होगा कि केंद्रीय अनुशासनात्मक समिति किस तरह से आगे फैसला लेती है। कैमरामैन आकाश के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा दिल्ली। अलीशा बेगम एक औरत का दुख एक औरत ही समझ सकती है, रूहानियत काली शक्तियां दी मालकन, दुनिया दा सब तो चमत्कारी इल्म मेरे कोल है, मेरे कीते नु कोई कट नहीं सकदा, काला इल्म करना आते तोड़ना हर एक दे बस दी गल नहीं, परेशानी जिवें लव मैरिज पति पत्नी च झगड़ा सौतन दुश्मन तो छुटकारा तलाक केस बुरे सपने विदेश यात्रा बुरी संगत ज नशा छुड़ाना बीमारी च दवा ना लगना वशीकरण एक सच्चाई है, वशीकरण करवाओ मन चाह प्यार पाओ, की तुहाडी किस्मत च लॉटरी दा योग है ज नहीं सच्चाई जानो, लॉटरी नंबर पाओ भावे 649 होवे ज लोटो मैक्स, 11 घंटे च करवाओ हर परेशानी दा हल घर बैठे, अष्टाम पेपर ते लिख के लवो कम दी गारंटी, जकेड़े तो बाहर है तुरंत संपर्क करो, तुहाडी हर गल गुप्त रखी जावेगी। अलीशा बेगम। वर्ल्ड फेमस बाबा सलीम खान 21 बार गोल्ड मेडलिस्ट, सारियां थावां तो निराश अते मायूस होने वाले एक बार फोन जरूर करो, जिवे चाहोगे ओवे होएगा, इट्स माय प्रॉमिस इमीडिएटली रिजल्ट ओपन चैलेंज, इल्मा दे माहिर A to Z समस्यावां दा फोन ते घर बैठे करवाओ हल, वशीकरण अते मुठ करनी लव मैरिज सौतन अते दुश्मन तो छुटकारा पक्का काम पक्का हल, 101% गारंटी, अष्टाम पेपर समेत सब तो पहला काम करन दा वादा, नौकरी प्रमोशन कारोबार च परेशानी घर च झगड़ा कोर्ट केस तलाक प्रॉपर्टी झगड़ा पति पत्नी चनपन जा दुटोना मनमोहनी वशीकरण करवाओ जा तोड़वाओ रुसे नु मनाओ, हुणे कॉल करो बाबा सलीम खान 98199-37467। ना तू फेर झंडा चुक लिया, तू पंजे वाला झंडा चुकी रखिया ते हुण केसरी चुक लिया, मूर्ख सा मैं, कमला हो गया सा, झूठे लारियां विच फस गया सी मैं, कहंदे सी सारे कर्जे माफ कर देंगे, सहूलतां मिलणगियां, मिल गईयां फिर सवा कर्जा माफ करना ते दूर, नाल दा खेत भी बैंक वाले लै गए, आड़ती दे तरले कर करके मसा एक छोटा खेत बचिया है, एदे नालों ता बादल किते चंगे सी, हाँ वो गरीबां बारे सोचदा सी, 200 यूनिट बिजली दे फ्री सी, आटा दाल पेंशन सब टाइम सिर मिल जांदा सी, अपनी ज्योति दे विआह दा शगन भी ते झटपट ही मिल गया सी, सेहत बीमा सी, पिंडां दी नुहार बदलन लई खुले ग्रांटां दे गफे, बथेरा कुछ होया है, हुण करिए की, करना की है, ऐतकी ओदी बांह फड़नी है जेड़ा समझे साडे दर्दां नूं।